हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीए प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एमबीए 2021 एडमिशन से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है। कुछ ही टाइम पीरियड बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज कर दिए जाएंगे एंड आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड उसको फिल करने के बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, एमबीए में एडमिशन लेने से पहले हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। और मैं साथ ही आपको यह भी बता दूं कि आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 सेमेस्टर के लिए वैलिड होगा। मीन्स अगर आप अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं एंड आप जुलाई सेशन में एडमिशन नहीं ले पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस, तो आप जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। सो यह एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको 2 सेमेस्टर के लिए वैलिड होगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टस की, कि इसमें क्या क्या मेजर इन्फॉर्मेशन दी गई है हमारे एडमिशन से रिलेटेड। तो नीचे स्क्रॉल डाउन जब हम करेंगे इस प्रोस्पेक्टस में, तो हमें यहाँ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बताए गए हैं। जो भी एमबीए के प्रोग्राम्स हैं जो ऑफ़र कराती है इग्नू एमबीए से रिलेटेड, वो हमें यहाँ बताए गए हैं। फर्स्ट है हमारा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, थर्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिफ्थ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, एंड सेकेंड है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड लास्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट्स प्रैक्टिस। सो आप एमबीए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह हमें 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं एमबीए करने के लिए। सो आपका इंटरेस्ट जिसमें भी हो आप वो कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करके अपनी क्वेरीज रिजोल्व कर सकते हैं। सो अगर मैं आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो www.ignu.ac.in इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको सभी डिटेल प्रोवाइड हो जाएगी। सो इस वेबसाइट पर आप ज़रूर विज़िट करें। इसके बाद हमें कंटेंट दिया गया है कि इस प्रोस्पेक्टस में हमें किन किन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट हमें यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है एंड स्कूल्स ऑफ स्टडी, एकेडमिक प्रोग्राम्स, कोर्स मटेरियल, क्रेडिट सिस्टम, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, डिलीवरी सिस्टम, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो यह पॉइंट आपके लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप किसी भी फील्ड में खुद को अपीयर कर सकते हैं। अपना एडमिशन के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप एलिजिबल हों। अदरवाइज़ आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी फ़ीस आपकी वेस्ट हो जाएगी एंड आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। एंड जो हमें और पॉइंट्स इस प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं फॉर फॉरनर स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो इस ये पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। एंड वैलिडिटी ऑफ ओपन मेट स्कोर, अगर आप ओपन मेट से एमबीए करते हैं तो उसका स्कोर कहाँ तक है, वो कहाँ तक वैलिड होगा, आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, तो ये सारे पॉइंट हमें इस पॉइंट में कवर किए गए हैं। एंड एडमिशन के बारे में हमें बताया गया है, इनकम्प्लीट एंड लेट एप्लीकेशन, अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट नहीं हुआ, लेट किया है आपने सबमिट, तो क्या होगा, री रजिस्ट्रेशन, री एडमिशन, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस किया गया है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रोस्पेक्टस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें बताई गई हैं, तो आप सभी पढ़ सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, इवेलुएशन, एग्जेम्पशन स्कीम, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, शेड्यूल ऑफ ऑपरेशंस,
तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, MBA में एडमिशन में अप्लाई करने से पहले, इस प्रोस्पेक्टस को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे कोई भी गलती होने से आप बच सकें, कोई भी आपकी गलती ना हो। एंड यहाँ में लास्ट में सैंपल पेपर, ओपन में टेस्ट पेपर दिया गया है, तो एक बार हम सैंपल पेपर देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का आपका सैंपल पेपर होगा। सो स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाते हैं, नीचे देख लेते हैं सैंपल पेपर। तो ये सैंपल पेपर ओपन मेट एंट्रेंस टेस्ट पेपर दिया गया है। 180 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा एंड 200 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। एंड नीचे हमें दिया गया है कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो यहाँ आपके 4 टॉपिक्स हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सो जनरल अवेयरनेस में से 30 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 एंड रीजनिंग 70 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड यहाँ हमें OMR शीट फिल करनी होगी, तो OMR शीट हमें किस तरह से फिल करनी है उसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। सो ये हमारी OMR शीट का एग्जांपल भी हमें दिया गया है, जिससे बच्चों को पता चल जाए और वो गलती करने से बच सकें। एंड इसके बाद यहाँ हमारा एग्ज़ाम शुरू होता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस अगेन हमारे सामने आई हैं एंड उसके बाद हमारा पेपर शुरू हो गया है। टेस्ट पेपर 1 है हमारा जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस के पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। UN इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो UN इंटरनेशनल डे नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया जाता है। एंड इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था। एंड व्हेन वाज दिल्ली मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था। कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेट ऑन कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सो इसकी आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो ये टेस्ट पेपर सेकंड है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हमें पहले पैराग्राफ दिया गया है एंड इस पैराग्राफ के हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसके हमें आंसर करने होंगे। देन उसके बाद पैसेज सेकंड आता है, इसी तरह से पैसेज सेकंड में भी हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें इनके आंसर्स करने होंगे। फिर उसके बाद डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन, अब ये हमसे कुछ मीन्स अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, या पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। उसके बाद हमारा योर क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, तो ये इंग्लिश का है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट पेपर शुरू होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे मैथ्स टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि 81 क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर क्या है इनमें से। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो विदाउट प्रैक्टिस आप इस एग्ज़ाम में तो पास हो नहीं सकते, आप देख सकते हैं हार्ड एग्ज़ाम। देन उसके बाद हमारा फोर्थ टेस्ट पेपर स्टार्ट होता है, रीजनिंग। अब रीजनिंग हमें दी गई है, तो रीजनिंग में आपको पता ही है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन प्रैक्टिस 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 तो करनी ही होगी आपको। सो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया हो, किस तरह का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, किस टाइप का पैटर्न होगा, यह भी आपको समझ आ गया होगा। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। अब वो मॉक टेस्ट किस तरह से देना है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जिस तरह से तैयारी की है, उस तरह से आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।